गाइस यार नट तो घुस गया है, जिसे कसने में दिक्कत हो रहा है। वाईफाई कनेक्ट हो गया था पर चल ही रहा था। नेपाली करेंसी कितना था? हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे। तो गाइस काफी टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है, मतलब मुझे लगता है कि 2 या 3 मंथ हो गया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था छठ पूजा कहीं और काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी हो गया था और भी कुछ बहुत सारी चीज़ों में, जिस कारण ब्लॉग नहीं डल पा रहा था। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस और अब से ब्लॉग डलेगा। तो गाइस आज जो है मतलब हम लोग जा रहे हैं भागलपुर टू फॉरबिसगंज और अपना ये रहा रेडर तैयार हो रहा है और ये देख सकते हो अभी कितना किलोमीटर चल गया है, 19,225 किलोमीटर के समथिंग चल चुका है। मतलब समथिंग क्या, पूरा नेट दिखा रहा है 19,225 किलोमीटर ये चल चुका है। और गाइस मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने व्लॉगिंग के लिए ये देखो मैंने क्या लिया है, iPhone 13। सही दिखा रहा हूँ ना? हाँ सही है, iPhone 13। और अब व्लॉग इसी से आने वाला है और एक मिनट मैं इसको कैमरा पहले स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी मैं अपना Realme X2 से कर रहा हूँ और अब जो करने वाला हूँ अपना iPhone 13 से करूँगा। तो गाइस ये रहा iPhone 13 का कैमरा, आप लोग बताओ कैसा है नीचे कमेंट करके। मैंने इसे लिया है द ग्रेट रिपब्लिक डे सेल जियो मार्ट, डिस्काउंट तो नहीं लगा, मतलब मुझे 500-600 के समथिंग का मुझे डिस्काउंट मिला था। और ये रहा अपने भैया। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया ना, चलिए ठीक है। तो चलो गाइस पहले फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं। पहले यहाँ से निकल जाएंगे घर से, तो ऑन द वे रहेंगे ना, तो मतलब सब कुछ पता चलते रहेगा कैसे कैसे क्या करना। पहले निकल चलते हैं घर से। तो गाइस यार अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय दुकान पे चाय वगैरह पीने के लिए, पर कूलर में पीने का गाइस अलग ही मजा है। टेस्ट करके देखते हैं गाइस कैसा बना है, मजा है भाई। तो गाइस यार अभी तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फॉरबिसगंज, और फॉरबिसगंज से फिर हम लोग पता नहीं शायद रुकेंगे हम लोग वहाँ पे, भैया का काम है वहाँ फॉरबिसगंज में, तो एक नाइट शायद हम लोग वहाँ पे फॉरबिसगंज रुकेंगे, या फिर रुक भी सकते हैं या फिर नहीं भी, अगर काम हो गया भैया का वहाँ पे तो रुकेंगे, अदरवाइज वहाँ से निकल जाए। वहाँ से हम लोग चले जाएंगे गाइस नेपाल, फिर नेपाल से वहाँ पे 2-3 जगह घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे शायद देख लिया जाएगा कहाँ जाना है। रिकॉर्ड दिक्कत हो गया हेलमेट का, ये देखो ये निकल गया और यहाँ से ये लगता है, ये देखो यहाँ पे ये लगेगा और यहाँ पे नट पता नहीं कहाँ गिरेगा, तो एक नट बैग में रखा हुआ था इसे लगा कर देखते हैं कैसे लगेगा। गाइस यार मालूम है 1 घंटा चाय दुकान पे ही रुक गए, बताओ मतलब सोचे थे जल्द निकलेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे सुबह 7 बजे के समथिंग, और अब इतना लेट हो गया बताओ यार। हेलमेट में पता नहीं क्या हो गया, इसका नट वट निकल गया, कसने का भी कोशिश किया तो नहीं ठीक हो रहा, तो इतना लंबा रास्ता चलना और हेलमेट को सही होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और एक और हेलमेट लूँगा क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है, बस भैया के पास एक सिंगल हेलमेट है। होगा जो दुकान वुकान या फिर जो साइड में लगाता है ना, तो वही मैं ठीक करवा लूँगा हेलमेट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई हेलमेट होना। गाइस ये है नौगछिया मंदिर, जो कि हर दुर्गा पूजा बिल्कुल खतरनाक लेवल का एकदम सजता है, देखो यार मजा आ रहा है। तो गाइस यार अभी हम लोग रुके हैं कुरसेला में, मतलब वहाँ से निकलने के बाद करीब 40 या 50 किलोमीटर के समथिंग चल चुके हैं, और अभी कुरसेला यानी कि डुमर में था, डुमर या कुरसेला ऐसे कुछ कहते हैं भाई, भैया से पूछ रहे नहीं कुरसेला ही कहते हैं शायद। अरे गाइस डुमर मतलब डुमर में रुके, कुरसेला में नहीं है, मतलब है ना के अंदर ही आता है डुमर, तो वहीं पर हम रुके गाइस। और मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस ये देखो पेड़ा भंडार है वाली चाची, यहाँ पे भी हम लोग खाएंगे बैठ करके। तो गाइस ये आया है दही चूड़ा और इसमें पेड़ा है ना, कहाँ डुमर का सबसे फेमस पेड़ा, थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कैसा बना। गाइस ये रहा, मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। टेस्टी है गाइस, दही का जो क्वालिटी है ना बिल्कुल टॉप है, और पेड़े का भी टेस्ट आ रहा है। चलो फटाफट खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, पहनावा पहन लीजिए धूल से बचने में काम आए। गाइस डुमर से निकल चुके हैं, अब कहाँ रुकना है नेक्स्ट, पूर्णिया के आगे गाइस हो सके तो रुके, या फिर हो सके तो मतलब लगातार चल चले। कितने बजे तक पहुँचने का है? यार गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गरबनौली, और कितना किलोमीटर चल लिया अभी हम लोग टोटल? 60 किलोमीटर।
भागलपुर से यहाँ तक आ गए 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर गाइस यहाँ से भागलपुर तक मतलब चल चुके हैं, मतलब भागलपुर से यहाँ 120 किलोमीटर तक चल चुके हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कितना होगा फॉरबिसगंज, 50 किलोमीटर है ना? हाँ, यहाँ से फॉरबिसगंज 50 किलोमीटर है। तो चलो अभी जब चाय वगैरह पी रहा था, यहाँ पे चाय रखा हुआ है, तो चाय पी लेते हैं। तो देखो यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर मुझे लगता है कवर करने में एटलीस्ट लग जाएगा वहीं एक घंटा में तो 50 किलोमीटर नाप ही लेंगे। अब एक घंटा लगेगा, कितना घंटा है तो मुझे नहीं पता। ये देखो, अरे बेचे। तो भैया 50 किलोमीटर एक घंटे में नाप देंगे? पक्का ना? देख रहे हो गाइस, एक घंटे में 50 किलोमीटर वैसे नाप सकता है। वैसे रोड पूरा बिल्कुल हाईवे है ना, इसीलिए ये देखो क्या आधा घंटा में कहाँ से नाप दीजिएगा। टाइम देख लो, चलो देखते हैं, पर जल्दी आज ही नहीं यार, बात समझेगी जी, ठीक है ना? आधा वीडियो के चक्कर है ना कि तेल दिए गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विराट नगर यानी कि नेपाल में। अभी हम लोग नेपाल में करंटली, फॉरबिसगंज में काम हो गया था भैया का, शायद 6 या 7 बजे के समथिंग उनका काम हो गया था। फिर हम लोग और फॉरबिसगंज से विराट नगर कितने किलोमीटर था? 28 किलोमीटर। हाँ भैया, 28 किलोमीटर। तो अभी हम लोग करंटली नेपाल में है और भंसार वगैरह कटा लिए है 2 दिन का। ये रहा पेपर, गाड़ी का पेपर है ये, मतलब ये देखो है ना, संकेत चंद्रा, और इधर है शायद 300 अमाउंट। कितना नेपाली करेंसी कितना था? नेपाली करेंसी 300 है ना, 300 नेपाली करेंसी करेंगे तो देखे कितना होता है डिवाइस। अभी करेंसी रेट घटा है। 300 था लिया आपसे, 300 नेपाली कर है ना, 300 डिवाइडेड बाय 1.6 है ना, इक्वल टू 187। तो मतलब हमने 190 रुपए हमने पे किया था, 10 रुपए हम लोग को नेपाली करेंसी हम लोग को रिटर्न किया था। तो गाइस हम लोग भंसार कटा रहे थे, तो वहाँ पे मतलब हमने दिया था 200 रुपए दिए थे ना, 200 रुपए देते, 190 रुपए काटा और ये दिए 10 रुपए नेपाली करेंसी लौट आया। तो ये है गाइस नेपाली करेंसी, देख लो सही है, ठीक ठाक है। नेपाल बैंक, नेपाल राष्ट्रीय बैंक, सही है भाई, सही है। हिरन का फोटो क्यों लगा दिया है? हिरन ही है ना भाई, हिरन ही है, हिरन ही है। ये 10 रुपए है और इसमें क्या छपा हुआ है, ये चलो जो भी है सही है। गाइस अभी हमने एक होटल लिया है, इस होटल का क्या नाम है? होटल का नाम है मेट्रो, मतलब होटल में ही मेट्रो सेट कर दिया। और ये अपना होटल रूम देख लो, इधर ये वाला इसके अंदर सेटअप बॉक्स है, और ये आपका वाईफाई का पासवर्ड है यहाँ पे। इधर दे दिया अपना एलईडी, एलसीडी जो भी बोल दो, एलसीडी होगा, एलईडी कहाँ से होगा। और ये अपना कुछ रूम, संडास घर, और ये तो चलो गाइस, तो यही है गाइस रूटीन। और अभी कुछ खाना वगैरह खाएंगे, फिर जो कल का प्रोग्राम होगा वो हम लोग कल जाएंगे घूमने के लिए। गाइस ये बंदे को देखिए, ये बंदा वाईफाई को ठीक करने के लिए, ये देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, मतलब वाईफाई कनेक्ट हो गया था पर चल ही रहा था, और ऊपर है रीसेट बटन, देखो कहाँ उतर रहा है भाई। चल सही है भाई, धन्यवाद। चल देखता हूँ, चले चला या नहीं, अगर नहीं चलाओगे तो फिर नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। गाइस कल जो ब्लॉग आने वाला है वो बिल्कुल खतरनाक रहेगा, एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हम लोग जाएंगे नेपाल में दो तीन जगह घूमने जाएंगे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा जरूरी है ना, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर घूमने का जगह रहा तो घूम लेंगे। और अभी यहाँ पे मतलब नेटवर्क वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा, तो वाईफाई वगैरह लिए है होटल वाले से, तो वही वाईफाई कनेक्ट करके अभी घर पे बात करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग प्लीज, काफी टाइम के बाद आ रहा है मैं समझ सकता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी कनेक्टेड, बाय बाय।